गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल ऑल आर फाइन ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन आस्किंग पूछना एंड आंसरिंग आंसर करना कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसका क्या करते हो आंसर करते हो ठीक है क्वेश्चन बिगिन विदिटल लेटर एंड एंड विदेशन मार्क जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज होते हैं या हमारे सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं कैपिटल लेटर से ही. और एंड किससे होते हैं फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से एंड होगा और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क्स से एंड होगा वट वेन वाई विच हु एंड हाउ आर क्वेश्चन वर्ड्स दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स यू यूज देम टू बिगिन क्वेश्चन आप इनको यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हो लाइक वट आर यू डूइंग वेन आर यू कमिंग वाई आर यू क्राइंग विच इज योअर फेवरेट सब्जेक्ट हु इज योअर फेवरेट हीरो हाउ आर यू यू आस्क डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बाई यूजिंग

You can also use am, is, are, do, does, did, have, has, had to begin questions. ये नहीं है कि आपने सिर्फ वर्ड पेन या डब्ल्यू एच की फैमिली या हाउ का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करना है आप मे, कैन एंड विल एम इज आर डू डज डिड हैव हैज हैड का यूज भी क्वेश्चन पूछने के लिए कर सकते हैं अंडरस्टैंड लेट्स लर्न क्वेश्चन बिगिन क्वेश्चन वर्ड और एन ऑक्लरी हेल्पिंग वर्ब द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्लेस दर्ब ऑग्सल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इज एम आर डू डिड है ये आपके हेल्पिंग वर्ड भी होते हैं ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती हैं। एग्जाम्पल इज दिस योर पेन इज क्या है ऑग्सलरी वर्ब और दिस क्या है सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इसने हमें क्या कहा था जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होता है या तो क्वेश्चन वर्ड से जैसे वर्ड पेन ठीक है या फिर ऑग्जलरी वर्ब जैसे मे इज एम आर ठीक है द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन सबसे पहले हम इन वर्ड्स को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट आंसर टू क्वेश्चन आर सेंटेंसेज सेंटेंसेज बिगिन विद द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट आंसर टू क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तब आप क्या करते हो सब्जेक्ट पहले लिखते हो और वर्ब्स सब्जेक्ट के बाद लिखते हो इट इज माई पेन यहाँ पे इट क्या है सब्जेक्ट और इज क्या है ऑग्जलरी यानी हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन में वो ऑग्सलरी वर्ब पहले आ जाती है और आंसर में वो ऑग्सलरी वर्ब बाद में आती है सब्जेक्ट के बाद में हम उसको यूज करते हैं और क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं ठीक है एक्सरसाइजेज नंबर मैच द क्वेश्चन विद द करेक्ट आंसर देखो बच्चे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उनको करेक्ट आंसर से मैच करना है एक बार हम देख लेते हैं हाउ आर यू एम क्वाइट वेल थैंक यू हाउ इज योर मदर टूडे शी इज मच बेटर टुडे थैंक यू ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर्स हैं डिड यू एंजॉय योर हॉलीडेज

आई डोंट हैव अस पेयर वन की मैं आपको ये उदाहरण नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास दूसरा नहीं है इज द पोस्ट ऑफिस फार फ्रॉम द मार्केट नो इट इज जस्ट दोस्ट ऑफिस मार्केट से क्या दूर है और आंसर क्या है कि नहीं ये सिर्फ कॉर्नर पर ही है वु यू लाइक अ बार ऑफ चॉकलेट वुड यू लाइक अ बार ऑफ चॉकलेट ये प्लीज आई वुड लव टू है टू आंसर दीज नो में देना है is knives the plural of knife? क्या जो है है? है. वो knife का ये आर यू इन क्लास टू यस आई एम आप इसका आंसर नो no में भी दे सकते हो हो सकता है आप क्लास थर्ड में हो डू लाइन स्क्रीम नो दे डोंट लाइन कभी चिल्लाते नहीं ना स्क्रीम होते चिलाना वो तो हमेशा क्या करते हैं रॉर करते हैं दहाड़ते हैं डज अ फिश के फिंस होते हैं ना यस इट डज डिड नो ही डिडंट आप देख रहे हो बच्चे आपने जब क्वेश्चन पूछे तो आपकी हेल्पिंग वर्क पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में आया और जब आप आंसर कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट पहले आ गया और हेल्पिंग वर्ब बाद में आई व यू बीन टू जयपुर यस आई हैव ठीक है इसमें आंसर ये नो में है आप डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो आपको जहां नो लिखना है आप नो लिख सकते हो आपको येस लिखना है येस लिख सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो एच पार्ट हैज ही पोस्टेड द लेटर्स यस ही हैज यू कम होम टूमोरोस आई विल कैन आई गो आउट इन प्ले नो यू काम ठीक है नंबर थ्री इमेजिन यूर अ टीचर सोचो आप टीचर हो प्रिपेयर टेन क्वेश्चन टू तो टेस्ट योर स्टूडेंट ऑन दिस पैसेज यह हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है बच्चे हमने इसको क्या करना है आप टीचर हो आपने दस क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके बच्चों को देने हैं जिसका वो आंसर कर सके ठीक है तो इसमें हमने आंसर नहीं लिखने हैं हमने सिर्फ क्या करना है क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं द इग्लू इज अ स्मॉल हाउस मेड ऑफ स्नो सबको पता है, सब है इग्लू स्नो से बना होता है इट इज बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ये बहुत ठंडी जगह पे बना होता है वेयर बिल्डिंग मटेरियल सच एज वुड स्टोन एंड ब्रिक आर नॉट अवेलेबल जहां पे ये लकड़ी पत्थर ये ब्रिक ईंटे अवेलेबल नहीं होती हैं। वी मे थिंक अ हाउस मेड ऑफ स्नो इज टू कोल्ड टू बी कंफर्टेबल क्या हम सोच सकते हैं कि वी मे थिंक एक हाउस जो स्नो से भरा हो वो रहने के लिए कंफर्टेबल है बट इलूज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट वो एस को ऐसे दिखाते हैं जैसे की उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट है ट्रैपिंग बॉडी बॉडी को हीट देने के लिए एनिमल स्किन एज डोर फ्लैप्स टू कीप द वार्म एयर इन जो एनिमल की स्किन होती है ना उनको वो कैसे यूज कर लेते हैं दरवाजा बनाने के लिए ताकि उनके अंदर क्या रहे गर्मी रहे द इन यूनिट पीपल हु मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बिल्ड इग्लूज एंड लिव इन दम समीपल कॉल देम एस्मोज इन यूनिट पीपल कौन से होते हैं बच्चे जो इग्लूस बनाते हैं और उसमें रहते हैं और उनको क्या भी बोलते हैं एस्कीमोज क्या बोलते हैं एसकीमोज देर आर थ्री ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ इग्लूज ऑल ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ईट जस्ट यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पज कि थ्री टाइप्स के ग्लू होते हैं सबका साइज डिफरेंट होता है और सब डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं द स्मोलेस्ट आर कंस्ट्रक्टेड एज टेम्परे शेल्टर जनरली यूज ओनली फॉर वन और टू नाइट जो छोटे से होते हैं ना वो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए एक या दो रातों के लिए बनाए जाते हैं दीज आर बिल्ट एंड यूज ड्यूरिंग हंटिंग ट्रिप्स ऑफन एंड ओपन सी आइस ये क्या किस लिए बनाए जाते हैं या तो जैसे हंटिंग करने के लिए शिकार करने के लिए बनाए जाते हैं और ज्यादातर ये कहा बनते हैं जहां पे आइस प्लेस होते हैं ठीक है साइज आर सेमी परमानेंट फैमिली ड्वेलिंग्स ये इसलिए बनाए जाते हैं इनमें कुछ टाइम तक रहा जा सके टेम्परेरी जो एक या दो दिन के लिए सेमी परमानेंट कि थोड़े दिन तक वो बनाए जा सके जिसमें फैमिली रह सके दीज आर यूजली सिंगल रूम ड्वेलिंग्स दैट हाउस वन और टू फैमिलीज इसमें क्या होता है सिंगल रूम बनते हैं और इसमें एक या दो फैमिलीज रहती हैं। ऑफन देर आर सेवर ऑफ दीज इन स्मॉल एरिया विच फ्रॉम एन इन यूनिट विलेज ठीक है इसमें क्या होता है बच्चे ये बहुत जो स्मॉल एरिया में बनी होती है इसमें वो लोग एडजस्ट करके रहते हैं अब लार्जेस्ट डिग्लू क्या है द लार्जेस्ट डिग्लूर यूजली बिल्ट इन ग्रुप ऑफ टू ये टू के ग्रुप्स में बनते हैं वन ऑफ द बिल्डिंग्स इज अ लार्ज स्ट्रक्चर यूज फॉर स्पेशल ओकेजन की जहां पे कोई फंक्शन किया जाता है द अदर विच इज बिल्ड नियर बाय मीन फॉर लिविंग इन और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसको रहने के लिए बनाया जाए दीज हैव अप टू फाइव है इसमें पांच रूम होते हैं कैन हाउस अबाउट ट्वेंटी पीपल इसमें ट्वेंटी लोग रह सकते हैं द लार्ज इग्लूज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेवरल स्मॉलर इग्लूज आर अटैच बाय देयर टनल्स अब जो ये होते हैं वो किससे भी अटैच किए जाते हैं टनल से कॉमन एक्सेस टू द आउटसाइड दीज आर यूज टू होल्ड कम्युनिटी फीस एंड ट्रेडिशनल डांसेज जैसे हमारे फंक्शन होते हैं तो हम लोग कहां करते हैं बच्चे होटल्स वगैरह में तो ये क्या करते हैं अपने लिए ऐसे इग्लू का बहुत बड़ा एक घर बना लेते हैं जिसमें ये अपनी पार्टीज करते हैं अब बच्चे हमने क्या पढ़ा था कि हमने इस पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस बनाने हैं टेन मुझे जो टेन क्वेश्चन समझ में आए मैंने वो बनाए आपने क्या करना है आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फ्रेम करने हैं आपने भी कोशिश करनी है कि आप और डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आओ जैसे क्या बनाया मैंने वट इज एन इग्लू वेयर इट इज बिल्ट हुईलूज डिफाइंड मीडियम साइज इग्लूज हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन लार्जेस्ट इग्लूज फॉर वट पर्पज द लार्जेस्ट इग्लूज आर यूज तो बच्चे मैंने ये क्वेश्चन बनाए आप आंसर्स नहीं लिखने हैं इनके आपने सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं लेकिन आप चेक करना क्या इन क्वेश्चंस के आंसर्स पैराग्राफ में से निकल रहे हैं और अगर आपको इन टेन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो ठीक है बच्चे तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था आस्किंग और आंसरिंग क्वेश्चन की क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर देना ओके